क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार यादव। अवनीश कुमार, आपको मतलब मतदान फर्जी बता रहे हैं कि करते हुए पकड़ा, और आपने फोटो अंदर खींच करके वायरल कर दिया था। मेरा इतना ही कसूर था, जो मैंने फोटो डाल दिया उसका विरोध प्रधान ने किया और फर्जी वोट पड़ा। तो आप कैसे मोबाइल अंदर कैसे ले गए? जब प्रतिबंधित था तो अंदर कैसे ले गया मोबाइल? वो मैं सुबह जल्दी पहुंच गया, एजेंट था मेरे वहाँ पे, मेरा गाँव है नहीं, दूसरा गाँव धम्पीनगरा पोलिंग पे, मेरा कोई था नहीं वहाँ पे जो हम अपना मोबाइल किसी को दे। कितना बूथ संख्या है? 510 का है, और वहाँ पे वो पूर्व विधायक ने ये बोला था 2 दिन पहले कि यहाँ पे 500 वोट पड़े हैं सपा के, इसलिए मैं। तो आप क्या कर रहे थे वहाँ? हम एजेंट थे वहाँ पे भाजपा का। फिर उसमें मैंने फोटो खींच लिया, मेरा इतना ही अंदर वोट डालते हुए बस मैंने फोटो खींच लिया, उसके बाद वायरल कर दिया था। वायरल कर दिया, हाँ वायरल भी कर दिया, मैं गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। उसके बाद जो सपा के फर्जी वोट पड़ रहे थे उसका मैंने विरोध किया, तब उसने प्रधान ने सरेंडर करते हुए मुझे। आप किस पार्टी के एजेंट? भाजपा के। फिर क्या हुआ? फर्जी वोट का मैंने विरोध किया इसलिए मुझे पकड़वा दिया। किसने पकड़ा? आर्मी ने पकड़ा था आप? नहीं, वो स्वाइट वो टीम थी। अब आपको अपनी गलती का एहसास है? एहसास है, मुझे गलती की क्षमा चाह रहा हूँ, और मेरा बस इतना ही विरोध था, मैंने फर्जी वोट नहीं पड़ने दिया, इसलिए मुझे प्रधान ने और वहाँ पे और जो लोग थे उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। नहीं, आपको एक बड़े आरोप में पकड़ा गया, फर्जी मतदान और वायरल कर दिया था आपने। मतदान मैंने फोटो अंदर खींचते हुए आपने वायरल कर दिया। मतदान तो मैंने रोका। हाँ, प्रधान ने मुझसे कहा तुम चुपचाप यहीं बैठो। कितने लोग पकड़े गए फर्जी मतदान करते हुए? वहाँ से एक भी नहीं पकड़े गए। यहाँ कितने लोग पकड़े गए? यहाँ पे तो है 2 दर्जन से लगभग है, 2-3 दर्जन। वहाँ से एक भी नहीं आया, वहाँ पे 2-3 वोट डाल रहे, और इसलिए मुझे यहाँ लाया गया कि वहाँ पे कोई विरोध नहीं करेगा, पूरा मतदान अच्छी तरह से हो जाए सपा का।